हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी वो भी एकदम फ्री में ओनली एट लर्न होब डॉट कॉम

कहा है y एक्सिस के पैरेल है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लाइन इज पैरेल टू y एक्सिस तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है जी हाँ इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू ए ये आपको पता होना चाहिए देखिए अब आगे क्या है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से लाइन पास हो रही है तो हमें एक पॉइंट पॉइंट मिलना चाहिए वो कैसा होगा इन दोनों लाइन का अगर मैं पॉइंट फाइंड कर लू इंटरसेक्शन पॉइंट तो इस गिवन लाइन जिसका हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन उसके लिए भी पॉइंट मिल जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे जो लाइंस है हमारी एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव ये लिख लेंगे और दूसरी लाइन क्या है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दोनों हमारी लाइन्स होगी इनके क्या करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइन करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स कौन सी लाइंस है भाई ये दोनों लाइंस है अब क्या करेंगे इसको अगर मैं इक्वेशन टू दे दूं ये हमारा इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन थ्री हो गया तो देखिए क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करता हूं मल्टीप्लाई बाय सेवन तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव और यहां पे क्या करना है सेवन से मल्टीप्लीकेशन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एक्स सेवन इंटू वाई क्या हो जाएगा प्लस का सेवन वाई सेवन इंटू जीरो माइनस और सेवन वाई प्लस क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा और इन दोनों का क्या करेंगे एडिशन जो भी होता है वो हम करेंगे ट्वेंटी टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का फाइव विच एम्प्लाइज क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू ये हमारा एक्स आ गया अब यहां पे अगर x की वैल्यू, मैं किसी भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन टू या तो इक्वेशन थ्री में रख लू तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है इक्वेशन टू में रखते हैं वैल्यू इसकी तो जल्दी से अगर मैं पुट करूं यहां पे हमारा जो इक्वेशन है क्या है x माइनस सेवन वाई एक्स माइनस सेवन वाई लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू एक्स माइनस सेवन वाईक्वल टू माइनस फाइव यहां तक बात समझ में आती है इसे सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फाइव बाय ट्वेंटी टू जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा सेवन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू फाइव क्या होता है माइनस वन वन जीरो माइनस वन हंड्रेड एंड टेन प्लस का फाइव डिवीजन में ट्वेंटी टू ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस वन हंड्रेड एंड फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू यहां तक भी बात समझ में आती है अब क्या करेंगे माइनस सेवन से अगर मैं डिवाइड कर दू दोनों साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ तो आएगा, लेकिन सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन वन जा सेवन और सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया जी हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस क्या हो गया एक्स की वैल्यू है माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू कॉमा वाई की वैल्यू है फिफ्टीन बाय ट्वेंटी टू यहां तक बात समझ में आती है अब देखते हैं क्या करना है इक्वेशन तो ध्यान से समझिएगा मेरे पास एक पॉइंट है और क्या है और हमारे पास लाइन का इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में रखूं इक्वेशन क्या है जिस लाइन का हमें फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू ए है तो यहां एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें रख लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की अगर मैं वैल्यू रखता हूं यहाँ पे यहां पे सॉल्व करते हैं इसे ध्यान से देखिएगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू इज इक्वल टू ए तो ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू तो हमारा ये जो इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा ये रहा ए की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू ही हमारा क्या होगा लाइन का इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन जो मांगा था वो मिल गया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन है वो कौन सी है परपेंडिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है लेकिन वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है टू द लाइन x अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट वेर इट मीट्स द वाई एक्सिस मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे होगा वाई एक्सिस पे तो यहां पे अगर मैं सिंपली आपको ड्रॉ करके बताऊं तो हमारी ये जो लाइन है एक्स बाय फोर वाई बाय सिक्स एक्स बाय फोर प्लस में वाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वन यहां पे एक परपेंडिकुलर उसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो कहां पे होगा y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे पॉइंट होता है तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट जीरो तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई जीरो कॉम आवाए और हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर ठीक है यहां तक बात समझ में आती है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो जो पॉइंट है वो लिख लेंगे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा जीरो कॉमा वाई हो जाएगा यहां तक ठीक है अब देखिए दोनों ही परपेंडिकुलर है तो अगर मुझे इसका स्लोप मिल गया और तो मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा स्लोप मिल गया पॉइंट मिल गया पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या करेंगे इक्वेशन निकाल लेंगे ठीक है? इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन फाइंड करना है तो अगर इसका स्लोप और ये पॉइंट पता चल जाए, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारी लाइन देखते हैं एक्स अपॉन फोर प्लस का वल टू वन ठीक है तो इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस फोर वाईल टू ट्वेंटी फोर लेकिन हम इसे और भी सिंपल बना सकते हैं टू से डिवाइड करके तो थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है यहां तक बात समझ में आती है अब क्या करना है स्लोप करना है मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वहां पर लेके जाएंगे थ्री एक्स और प्लस का ट्वेल्व डिवाइड कर दूं अगर तो क्या हो जाएगा यहां तो क्या हो गया किस फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कौन सा फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी तो कंपेयर करें अगर हम इसे Y वल टू इसके साथ तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई M इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू क्या होगा यहां परवल टू माइनस थ्री बाई टू ठीक है इतनी बात समझ में आती है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रेसिप्रोकल जो लाइन होती है उसका स्लोप तो माइनस वन अपॉन एम क्या आ गया माइनस थ्री बाय टू विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव और ये हो जाएगा टू बाय थ्री तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का सिंबल लिखा है मैंने यहां पे तो स्लोप आ गया पॉइंट देखिए जीरो कॉमाए अब ध्यान से समझिएगा ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी है तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो सेटिसफाई करेगा तो इस लाइन के पॉइंट क्या बन जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं इसे वन ले लू तो फ्रॉम वन क्या लिख सकते हैं जीरो कॉमा वाई पॉइंट है इस लाइन पे तो क्या हो जाएगा जीरो बाय फोर प्लस का वाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वन तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स वन जा सिक्स क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गई तो देखिए y की वैल्यू आ गई तो पॉइंट कौन सा हो गया y इज इक्वल टू सिक्स तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो हमारा पॉइंट बन जाएगा जीरो और इस लाइन का स्लोप क्या है टू बाई थ्री तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू क्या है स्लोप टू बाय थ्री और उसी लाइन के लिए पॉइंट क्या है जीरो कॉमा सिक्स पॉइंट क्या है ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर का तो इक्वेशन क्या होता है? Y y है, x x तो है तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट क्या है सिक्स m की वैल्यू है टू बाय थ्री इसी तरह x माइनस एक्स नॉट तो जीरो है तो क्या हो जाएगा थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू टू हो गया जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2x एक्स माइनस थ्री और प्लस का 18 प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो क्या किया लेफ्ट राइट लेके गए और इक्वेशन बना दिया ठीक है तो दो बातें याद रखनी है परपेंडिकुलर की वजह से एक जो ये रिलेशन मिला वो और ये पॉइंट इस लाइन पे है तो हमें क्या मिलेगा यहां पे एक वैल्यू मिलेगी तो और पॉइंट स्लोप फॉर्म ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ़ ट्रायंगल क्या फाइंड करना है भाई एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का ठीक है बाय द लाइंस ट्रायंगल किस किस से बन रहा है तीन लाइंस के इक्वेशन दिए हैं उससे बन रहा है एक है वाई माइनस एक्स दूसरा एक्स प्लस वाई और तीसरा है एक्स माइनस के तो यहां पे अगर मैं एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से तीन लाइन है, एक है y- माइनस एक्स दूसरी है x+ प्लस वाई और तीसरी लाइन है x -K, तो माइनस का इक्वेशन है तो सब में आ जाएगा यहां पे जीरो तो ये तीनों लाइन से क्या बन रही है हमारी ट्रायंगल बन रहा है ठीक है अब क्या करेंगे अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट के लिए एक एरिया की फॉर्मूला है उसका यूज करके मैं इसका क्या फाइंड कर, कर सकता हूं तो मुझे ये पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो सबसे पहले जो भी है वो लिख लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन ले लेता हूं यहां पे और क्या है x प्लस क्वल टू जीरो इक्वेशन टू ले लेते हैं और थर्ड है x माइनस के इज इक्वल टू जीरो माइनस के इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन थ्री तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं y माइनस एक्स और x प्लस वाई इक्वेशन वन एंड टू तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू क्या लिखेंगे भाई y माइनस का x प्लस में x प्लस वाई तो x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख सकते हैं जीरो जीरो आ गया दोनों ही जगह दोनों का एडिशन करेंगे तो x x क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा y प्लस वाई हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू जीरो लेकिन अल्टीमेटली क्या मिलेगा y इज इक्वल टू जीरो यहां तक बात समझ में आती है अब y की वैल्यू मैं यहां रख लेता हूं इक्वेशन वन में ध्यान से देखिए y की वैल्यू क्या है जीरो तो यहां पे जीरो रख लिया तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो ही आ जाएगी ठीक है दैट इज वेरी इजी हम कर सकते हैं x इज इक्वल भी क्या आ जाएगा जीरो ही आ जाएगा इसी तरह से यहां पे फ्रॉम क्या लिखेंगे इक्वेशन टू एंड थ्री के बारे में लिख सकते हैं हम इक्वेशन टू एंड 3. क्या करेंगे टू एंड थ्री के बारे में एक्स प्लस अब ध्यान से देखिए यहां पे कि यहां पे x x कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस हो गया ये प्लस हो गया x x कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का के आ जाएगा ठीक है लेकिन आगे बढ़ू उससे पहले यहां देखिए क्या वैल्यूज आई वाई टू जीरो इक्वेशन वन है ये टू है तो ये हो गया जीरो कॉमा जीरो ठीक है अब y इज इक्वल टू क्या आया यहां पे माइनस के इसको हम क्या करेंगे टू और थ्री की बात थी तो टू में रख लेंगे तो एक्स प्लस क्या है माइनस के इज इक्वल टू जीरो टू में रख रहे हैं वैल्यू जो y की वैल्यू क्या है माइनस के टू में अगर रख रहा हूं तो x क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं y इज माइनस के और x इज के y क्या मिला माइनस के और x मिला के तो ये दो लाइन सेकेंड और थर्ड इन दोनों के पॉइंट्स क्या हो गए के कॉमा माइनस के इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया के कॉमा माइनस के ठीक है इसी तरह से इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो फ्रॉम क्या लिखेंगे इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू नहीं वन एंड थ्री लिखेंगे फ्रॉम वन एंड थ्री वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस के इज इक्वल टू जीरो यहां पे नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा वाई माइनस के की जगह पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू के ठीक है तो माइनस के वहां पे क्या तो वाई इज इक्वल टू के अगर इस वाई की वैल्यू के की वैल्यू मैं इक्वेशन टू में रख लेता हूँ वाई इज इक्वल टू के टू में क्यों रखेंगे भाई वन और थ्री की बात चल रही है तो वन या थ्री में रखेंगे वाई माइनस x इज इक्वल टू जीरो में वैल्यू रखेंगे क्या है y की वैल्यू के तो k माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू भी क्या आ गई k आ गई यहां पे तो देखिए y के x के तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई k कॉमा के और इन तीनों पॉइंट को मैं ले लेता हूं a b और c पॉइंट ठीक है त्राइंगल के तीनों ही कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं मुझे ठीक है तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या होती है फॉर्मूला तो यहां पे ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा जी हाँ, एरिया ऑफ तो यहां पे क्या बनेगा ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया बनेगा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यहां पे? मोड वन बाई टू मोड ऑफ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री लिख लेंगे ये याद भी करवा रहा हूं कि कैसे याद रखेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फिर क्या करेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस में वाई थ्री माइनस वाई वन अगेन प्लस में वाई वन माइनस वाई टू ठीक है यहां तक बात समझ में आती है अब सारी वैल्यूज जो है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री यहां पर रख लेंगे ठीक है तो वन बाई टू क्या हो जाएगा एक्स वन की वैल्यू है के समझिएगा ध्यान से एक्स वन इज के और एक्स टू क्या है एक्स वन एक्स टू क्या है जीरो है और एक्स थ्री क्या है अगेन के है अब क्या करेंगे ये सारी जो वैल्यूज है अब पुट कर देंगे वाई टू वाई टू है हमारा ये वाई वन ये वाई टू इज जीरो माइनस का वाई थ्री क्या है माइनस के तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के इसी तरह से ये वैल्यू तो जीरो है तो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं या ना करूं तो क्या हो जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन ही रखते हैं अगेन एक्स थ्री की वैल्यू क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज के और वाई वन क्या है वाई वन इज के माइनस वाई टू की वैल्यू है जीरो ठीक है यहां तक क्लियर अब क्या करेंगे वन बाय टू इज वन बाई टू जीरो प्लस के 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 इन टू के के स्क्वायर ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई तो प्लस में के इन टू के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू के स्क्वायर मोड ऑफ टू के स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू 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 कैंसल आउट हो जाएगा और के स्क्वायर है पॉजिटिव है तो स्क्वायर यूनिट्स क्यों क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट्स हो गया यहां पे आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल कि फॉर्मूला है तो ये ट्रायंगल का हमें क्या मिल गया कि स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स एरिया मिल गया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस कौन सी कौन सी थ्री लाइंस ये एक ये दूसरी और ये तीसरी लाइन ये तीनों ही लाइन क्या होंगी मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट मतलब तीनों लाइन कैसी हो रही हैं एक पॉइंट में से पास हो जाए वैसे पी की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिगर कुछ इस तरह से अगर हम इमेजिन करें तो मान लीजिए ये हमारी तीन लाइन है ठीक है और इस पॉइंट में से पास हो रही है ठीक है तो अगर मैं दो लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लू तो तीसरी लाइन भी वहीं से तो पास होगी तो जो भी तीन लाइन है वो लिख लेते हैं क्या होगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और क्या है पी एक्स प्लस टू वाई माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो और थर्ड लाइन है मेरे पास टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो टू टू एक्स माइनस माइनस वाई थ्री इज इक्वल जीरो इक्वेशन वन टू एंड थ्री अब यहां पे मुझे इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो अगर मैं इक्वेशन वन और थ्री को सोल्व करूं तो मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है तो क्या करेंगे इन दोनों को बस एड करेंगे क्योंकि नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई कट हो जाएगा तो क्या लिख सकता हूं फ्रॉम वन एंड थ्री थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू को वहां लिखेंगे इज इक्वल टू टू और ये टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री वहां लिखेंगे थ्री एडिशन करेंगे तो वाई वाई कट हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव थ्री प्लस टू फाइव विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू वन क्योंकि वैल्यू तो मिल गई अब इसी x की वैल्यू मैं इक्वेशन वन में रख लूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन तो अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री इन टू वन प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो थ्री प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वन वन वहां गया तो माइनस वन तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस वन तो दो लाइन का मतलब ये दोनों लाइन थी हमारी मान लीजिए और इसका फाइंड करना इक्वेशन तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया वन कॉमा माइनस वन और हमें बोला है ऐसा पी फाइन करना है जिससे में इंटरसेक्टेड वन पॉइंट तो क्या लिखेंगे कौन सी लाइन है हमारी पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मे इंटरसेक्ट अदर टू लाइंस सेक्ट विथ टू लाइंस कौन सी होंगी हमारी तो तो सेटिस्फाई करेगा? करेगा तो पी इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हमारा इक्वेशन बन गया इसको सोल्व करते हैं और p का टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो वैल्यू के लिए तीनों ही लाइन हमारे इंटरसेक्ट कर रही है p की वैल्यू क्या होगी जब फाइव होगी तो तीनों लाइन वन कोमा माइनस वन में इंटरसेक्ट करेंगी ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ थ्री लाइन्स कितनी लाइन्स थ्री लाइन्स इक्वेशन आर एक तो ये ये और ये क्या है y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू एंड थर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री ये तीनों ही लाइन कैसी है आर कंकरेंट इसका मतलब क्या ये एक नया वर्ड है जिसका मतलब और कुछ नहीं तीनों ही लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सिमिलर पॉइंट होगा जहां पे तीनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है देन शो दैट क्या शो करना है हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन शो करना है तो शो करने के लिए तीन पहले तो हमारे पास इक्वेशन है अगर मैं तीनों में से किसी दो को सॉल्व करूं तो एक पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मैं थर्ड में लाइन में रखूं तो कुछ और मिलेगा तो देखते हैं जो भी इक्वेशन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले क्या है Y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन इक्वेशन वन ले लेते हैं दूसरा है y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू इक्वेशन टू ठीक है थर्ड लाइन क्या है y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री इज इक्वल टू नहीं लेकिन इक्वेशन थ्री तो यहां तक बात समझ में आती है अब क्या करेंगे इक्वेशन वन और टू को मैं सॉल्व करूं ठीक है तो क्या मिलेगा मुझे इन दोनों लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा क्यों क्योंकि कंकरेंट बोला है तो इंटरसेक्शन की बात आएगी तो वन और टू को सॉल्व करते हैं यहां पर सॉल्विंग वन एंड टू क्या मिलेगा देखिए वन माइनस टू कर दू अगर मैं इक्वेशन वन माइनस टू या टू माइनस वन करते हैं क्या करते हैं टू माइनस वन टू माइनस वन करिए वाई माइनस वाई हो जाएगा जीरो टू माइनस वन करने पर एम टू एन एम टू एक्स माइनस एम वन एक्स हो जाएगा और सी टू माइनस सी वन हो जाएगा प्लस का सी टू माइनस सी वन ठीक है यहां तक बात समझ में आती है क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहां पर जीरो इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन और कॉमन क्या आ गया एक्स कॉमन आ गया प्लस में सी टू माइनस सी वन यहां तक भी क्लियर तो और क्या कर सकते हैं इसे हम हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो एक्स को एक तरफ अगर लेके जाए हम तो क्या हो जाएगा यहां पे एक्स एम वन माइनस एम टू हो जाएगा एम वन माइनस एम टू हो जाएगा क्यों सी टू माइनस सी वन क्योंकि हम उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो साइंस हो गई चेंज और ये मल्टीप्लीकेशन में वहां गया तो डिवीजन बन जाएगा तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन डिविज डिवाइड बाय वन माइनस एम टू बाय एम वन माइनस एम टू ठीक है यहां तक क्लियर अब इस x की वैल्यू ये जो x है उसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन वन में रख लू तो मुझे क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा ठीक है तो इक्वेशन वन में हम इसकी वैल्यू रखते हैं पुट x इन इक्वेशन वन तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम वन और x क्या है ये रहा सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू और प्लस का सी वन प्लस का सी वन यहां तक क्लियर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वन सी टू माइनस एम वन सी वन एम वन सी वन ठीक है और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे एम वन सी वन एम वन सी वन और M2 C1 माइनस का M2 C1 और डिवीजन में क्या बच गया M1 माइनस M2 ठीक है यहां तक क्लियर है अब क्या करेंगे यहां पे देखिए माइनस M1 C1 प्लस M1 C1 क्या हो रहा है कट हो रहा है माइनस M1 C1 प्लस का M1 C1 कट हो रहा है तो बच क्या गया यहां पे M1 C2 M1 C2 माइनस एम टू सी वन डिविजन में बच गया एम वन माइनस एम टू जिसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए कॉमन निकाल ले अगर हम यहां पे कुछ कॉमन निकल सकता है एम वन एम टू नहीं सी टू सी वन नहीं निकलेगा तो यही हमारी क्या हो गई y की वैल्यू हो गई ठीक है यहां तक क्लियर अब x y की वैल्यू आ गई ठीक है मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए तो यहां पे लिख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है लिख लेते हैं यहां पे जल्दी से x और y कोऑर्डिनेट कौन सा है x कोऑर्डिनेट c2 टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू कौम ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन माइनस एम टू सी वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू ये कहां पे होगा ये हमारा थर्ड लाइन पे होगा क्यों क्योंकि तीनों लाइन कैसी है भाई कंकरेंट है मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा तो ये अगर इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा तो क्या करेगा इक्वेशन थ्री को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो इसका यूज क्या करेंगे इक्वेशन थ्री में रखेंगे इसे ठीक है तो इक्वेशन थ्री में रखते हैं वाई कोऑर्डिनेट ये रहा वाई और ये एक्स तो वाई की जगह पे क्या रखेंगे ये रहा एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन में क्या रखेंगे एम वन माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू ये है हमारा एम थ्री अब एम थ्री तो कुछ है ही नहीं तो एम थ्री की जगह पे एम थ्री ही रखेंगे एम थ्री और एक्स की वैल्यू ये रही सी वन माइन सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू एक्स की जगह पे सी टू माइनस सी वन अपॉन M1 M2, प्लस का ठीक है है तक बात समझ में आती है, अब क्या करेंगे इसे थोड़ा सा करेंगे और इस इक्वेशन देखू देखिए तीनों ही जगह अगर मैं एम वन माइनस एम टू दे दू तो क्या बच जाएगा यहां पे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वहां पे तो क्या हो जाएगा यहां पर C2 टू माइनस एम टू प्लस में M3 C2 सी टू माइनस सी और प्लस का ध्यान से देखिएगा ये M1 वन माइनस एम कहां जाएंगे C3 के साथ जाएंगे तो ये M1 वन माइनस एम टू एम माइनस एम और यहां पे भी अगर मैं क्या ले लू एलसीएम ले लू तो तीनों ही जगह कैंसल आउट हो जाएंगे तो C3 की जगह पे क्या हो जाएगा यहां पे एम वन सी थ्री माइनस का एम टू सी थ्री ठीक है ये क्लियर और नीचे तीनों में से LCM कैंसल आउट हो गया तो अल्टीमेटली क्या बचा यहां पे देखिए एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन और ये एम थ्री यहां लेके आते हैं हम इसे तो क्या हो जाएगा प्लस एम थ्री लिखेंगे क्यू प्लस एम थ्री लिखेंगे सी वन माइनस सी टू कर देंगे सी वन माइनस का सी टू कर देंगे और क्या बच गया एम वन सी थ्री यहां पर आएगा तो माइनस एम टू सी थ्री यहां पर आ गया तो प्लस एम टू सी थ्री इज इक्वल टू जीरो सारे ही टर्म्स हमने क्या किए एक साइड लेके आ गए अब कॉमन देखिए क्या निकालना है एम वन और एम वन कॉमन निकाल लू मैं यहां से तो क्या आएगा एम वन इज कॉमन तो क्या बच गया यहां पे सी टू माइनस सी थ्री सी टू माइनस का सी थ्री एम वन के बाद चाहिए? चाहिए, तो प्लस, प्लस में लास्ट हमारे पास एम थ्री तो था ही एम थ्री सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू क्या बच गया जीरो बच गया तो ये हमें जो मांगा था इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए कि इसे प्रूफ करना है वो तो आ चुका है क्या किया कुछ नहीं इक्वेशन वन टू सॉल्व किया एक्स वाई कर दिया ठीक है तो हमें हमारा इक्वेशन मिल गया तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट थ्री कॉमा टू मतलब जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है थ्री कॉमा टू में से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विथ द लाइन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री तो एक हमारी लाइन है जो थ्री कॉमा टू से पास हो रही है और एक लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है और कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई कर रही है इंटरसेक्ट हमारे फोर्टी फाइव डिग्री पे तो हमारे पास अगर इसका स्लोप मिल जाए क्या मिल जाए स्लोप मिल जाए अगर तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे यहां पे दिया गया है एंगल और एंगल के साथ स्लोप का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला हमें पता है क्या है अभी देखते हैं तो जो भी है वो लिख लेते हैं सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री और एक एम वन हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले तो बता देते हैं फॉर्मूला क्या होती है फॉर्मूला होती है टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू ये होती है फॉर्मूला हमारी जहां पे दो स्लोप है अब पहला स्लोप हम मान लेते हैं इस लाइन का है क्या लिख सकते हैं यहां पे मैं लिख लेता हूं लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एम वन ठीक है यहां तक क्लियर अब क्या करते हैं ये जो दूसरी लाइन है लाइन कौन सी है हमारी ये दूसरी वाली लाइन क्या है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री इसका स्लोप हम क्या ले लेते हैं ले है. तो एम टू स्लोप लेने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तो क्या हो जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का थ्री विच एम्प्लाइज क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस में थ्री बाय टू क्या किया माइनस टू से डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू एम एक्स एम की वैल्यू क्या आ गई यहां की वैल्यू मुझे मिल गई वन बाई टू वन बाय टू तो एम वन इज एम वन और एम टू इज वन बाय टू ठीक है तो अब क्या करेंगे इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे कौन सा है इक्वेशन ये रहा टेन थीटा थीटा इज फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू एम टू एज ये माइनस एम वन को हम एम वन ले लेते हैं अपॉन वन प्लस वन बाय टू एम वन ठीक है क्या होगा टेन फोर्टी फाइव डिग्री होता है वन और यहां पे वन माइनस टू एम वन अपॉन में टू प्लस एम वन ठीक है यहां तक क्लियर और टू टू एल सी एम चला जाएगा यहां पे तो वन के हमें दो वैल्यूज मिलेंगी कौन सी कौन सी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां पे अगर मैं मॉड्यूलस चेंज करूं तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो देखते हैं क्या मिलती है वन इज इक्वल टू प्लस का वन माइनस टू एम वन अपॉन में टू प्लस एम वन अपॉन में टू प्लस का एम वन और दूसरा क्या मिलेगा यहां पे? दूसरा हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू एम वन माइनस का वन माइनस टू एम वन और नीचे मिलेगा टू प्लस एम वन टू प्लस का एम वन तो दो केस हो गए ठीक है यहां तक क्लियर अब इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा टू प्लस का एम वन इज इक्वल टू वन माइनस टू एम वन एम वन एम वन एक साइड लेके आते हैं तो टू एम वन प्लस थ्री एम वन इज इक्वल टू माइनस वन तो M1, M1 M1, एम वन तो की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई थ्री इसी तरह एम टू अगेन यहाँ पे एम वन ही है टू प्लस एम वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू एम वन ठीक है यहां तक क्लियर है इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एम वन होता है टू एम वन में से अगर एक एम वन जाए तो माइनस एम वन तो हो जाएगा माइनस थ्री तो एम वन की वैल्यू क्या आ गई यहां पे पॉजिटिव का थ्री ठीक है यहां तक सब क्लियर तो एम वन की हमारे पास दो वैल्यूज है कितनी दो तो अगर दो वैल्यूज है तो इक्वेशन भी कितने होंगे दो होंगे कैसे फाइन करेंगे ये हमारा पॉइंट है पॉंट थ्री बाई टू और दो स्लोप तो कौन सा लगेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे ठीक है तो पहले केस वन देखते हैं क्या होता है तो क्या है हमारे पास एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और पॉइंट कौन सा है पॉइंट है हमारे पास थ्री बाय टू थ्री बाय टू और यहां पे दूसरा क्या है एम वन इज इक्वल टू थ्री और पॉइंट अगेन कौन सा है हमारे पास थ्री कॉमा टू लेकिन फॉर्मूला क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म की जी हाँ वो होती है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट ठीक है वाई माइनस वाई नॉट इज टू एम इज माइनस वन बाय थ्री और x माइनस एक्स नॉट इज थ्री तो क्या हो जाएगा यहां पर आ, आ गया अगर तो माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन ये हो गया कब जब m इज इक्वल टू हमारा माइनस वन बाई थ्री है इसी तरह से यहां पे अगर मैं रखू y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट तो क्या हो जाएगा यहां पे वाय माइनस वाई नॉट इज अगेन टू एम की वैल्यू अब क्या है थ्री है एक्स माइनस एक्स नॉट अगेन जो भी है वही तो क्या हो जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन विच एम्प्लाइज थ्री एक्स माइनस वाई माइनस का सेवन इज इक्वल टू जीरो तो दो वैल्यूज आ गए वेन एम इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री एक फॉर्मूला मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस Which is x plus 3y minus 9 is is x 3y 9 equal to 0, and when m is equal to 3 then equation of line is 3x minus y minus 7 is equal to 0. ठीक है, दोनों ही equation मिल गए चलिए अब next question देखते हैं find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन में से एक लाइन पास हो रही है उसका क्या करना है इक्वेशन फाइंड करना है ये रही हमारी दो lines इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले फाइंड करेंगे दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है इक्वेशन जिस लाइन का हमें फाइंड करना है वो कैसी है वो है इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो क्या करेंगे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे क्या होता है पहले तो लिखेंगे लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स कौन सी होती है x अपॉन में a y में b होता है पर इंटरसेप्ट कैसे है इक्वल है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू वन जिसे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं ये हो गया इक्वेशन वन अब देखिए ये कहां से पास हो रही है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में से तो जो भी दो लाइंस है वो लिख लेते हैं क्या है 4x प्लस में 7y वाई माइनस का 3 वो साइड लिख लेंगे तो 3 और 2x एक्स माइनस थ्री और प्लस वन वो साइड लिख लेंगे तो माइनस का वन तो इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री ठीक है तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग टू एंड थ्री ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पे सेवन और थ्री कॉमन नहीं है कुछ भी तो यहां पे देखिए फोर और टू अगर मैं इक्वेशन थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर लूं और टू में से थ्री को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिलेगा मुझे तो जो भी इक्वेशन है फोर एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री और यहां पे टू से मल्टीप्लाई कीजिए टू टू या फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू टू वन लेते हैं क्यों क्योंकि हो 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 जाती है जाएगा गया और वाई की वैल्यू क्या आ गई फाइव बाय थर्टीन आ गई अब इसी y की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन टू या थ्री में रख लू तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो जल्दी से रख के चेक करते हैं क्या आता है हमारा आंसर फ्रॉम टू क्या करेंगे फोर एक्स प्लस में सेवन इंटू बाय क्या है फाइव बाय थर्टीन इज इक्वल टू थ्री समझिएगा ध्यान से तो फोर एक्स प्लस में सेवन फाइव जा थर्टी फाइव अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू थ्री इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस थर्टी फाइव बाई थर्टीन थ्री माइनस थर्टी फाइव बाई थर्टीन तो क्या हो जाएगा डिवाइड कर लू तो आ जाएगा वन बाय थर्टीन तो दो वैल्यूज मिली x और y की मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर x कॉमा कॉमा वायस वन अपॉन थर्टीन कौम आ फाइव बाय थर्टीन इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है यहां तक बात समझ में आती है फिर से क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी जो लाइन है मतलब ये इक्वेशन वन वो कहां से पास हो रही है इस पॉइंट में से मतलब ये पॉइंट इक्वेशन वन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे लिखते हैं सिंस इक्वेशन वन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ठीक है इस पॉइंट में से पास हो रहा है तो इस पॉइंट को कहां रखेंगे इक्वेशन वन में रखते हैं देखते हैं क्या आता है यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखेंगे वन अपॉन थर्टीन प्लस में फाइव अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू ए तो ए की वैल्यू क्या हो गई सिक्स अपॉन थर्टीन तो ए की वैल्यू अगेन इक्वेशन वन में रखेंगे तो क्या होगा फ्रॉम वन x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थर्टीन तो यहाँ पे लिख सकते हैं थर्टीन एक्स प्लस इक्वल टू सिक्स तो ये हमारी लाइन का क्या हो गया इक्वेशन हो गया सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू लाइन इज थर्टीन एक्स प्लस थर्टीन वाई इज इक्वल टू सिक्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक आप रिवीजन कीजिए नोट्स बनाइए प्रैक्टिस कीजिए कहां से जी हाँ फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से जो फ्री है पर बेस्ट है